हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा देखते हैं यस और नो डेटा टाइप, क्योंकि यस और नो डेटा टाइप की काफी बार बात हुई है और मुझसे पूछा भी गया सर कैसे इसको यूज किया जाए। तो चलिए ये देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में यस और नो डेटा टाइप को कैसे यूज करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले ये देखिए व्यू दिखाई दे रहा है, दो व्यू है, एक डेटा शीट व्यू है, दूसरा डिजाइन व्यू है। एक्सेस को ओपन कैसे करना है देखिए, यहां से चलेंगे और क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे और यहाँ पे टाइप करेंगे एक्सेस। इस तरीके से आपको एक्सेस टाइप करना और एंटर कर देना है, एक्सेस ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस लेना है। कौन सा लेना है? ब्लैंक, क्योंकि ये सारे टेम्पलेट्स दिए गए। टेम्पलेट्स क्या होती है? बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट पे क्लिक किया मैंने, तो स्टूडेंट ये क्रिएट पे जैसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में डाउनलोड होगा और डाउनलोड होकर के एक बना बनाया टेम्पलेट हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आपको टेम्पलेट नहीं यूज करना। देखिए ये अभी डाउनलोड हो रहा है और थोड़ी देर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको टेम्पलेट नहीं यूज करना है, आपको क्या यूज करना है? आपको ब्लैंक डेटाबेस यूज करना। तो देखिए ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो आपको टेम्पलेट नहीं यूज करना है। आप इससे एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ इस तरीके से हम डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें काफी सारे मैक्रोज बने हुए हैं। ठीक है, ये देखिए ये रिपोर्ट है, ये आपका फॉर्म है, ये आपका क्वेरी बना हुआ है, यहाँ पर फिल्टर लगाया गया, ये आपके टेबल्स बने हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें बनी हुई है इसमें। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बनाने में काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो अभी इसको करना है क्लोज, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। ब्लैंक पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा क्रिएट, क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहे तो डेटाबेस का नाम बदल सकते हैं। यहाँ से जाकर के डिजाइन व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो इस टेबल को नाम देना चाहते हैं वो नाम दे दीजिए। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर टेबल को हम ऑप्शन नाम देना चाहते हैं, इस टेबल को ऑप्शन नाम देना चाहते हैं। अब यहाँ पर आईडी आ रही है, ये प्राइमरी की है। प्राइमरी के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ नेम, ये नेम लिखा, नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, नेम अंडरस्कोर लगा के करते हैं, अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट होगा तो यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट आएगा और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे अटेंडेंस करेंगे, अटेंडेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेटा टाइप आपको मिलता है यस और नो डेटा टाइप। देखिए ना, इसमें यस और नो डेटा टाइप दिया गया है, तो क्लिक करना है इसी पे। अब इसका क्या फायदा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इसको यहाँ से ओके करना है, ये यहाँ पे करेंगे और यहाँ से ये, तो ये देखिए यहाँ पर आ गए। अब देखिए यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट पे जाएंगे, जैसे मान लीजिए नेम ऑफ स्टूडेंट का नाम है राम, और यहाँ पे टिक कर दीजिए, ये टिक कर दिया। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कुछ और नाम, जो भी नाम हो, नेम ऑफ स्टूडेंट जो भी हो। तो यहाँ पे मान लीजिए गौरव नाम है अगले स्टूडेंट का, तो यहाँ पे भी टिक कर दिया। ठीक है, इस तरीके से लाइन से टिक करते चलेंगे। ठीक है, तो जो टिक करेंगे समझिए वो प्रेजेंट है। ठीक है, और जो अनटिक रह जाएगा, अब यहाँ पर एक और नाम है गौरव, तो ये इस पे अनटिक रहने देते हैं। एक और नाम है यहाँ पे सूरज, तो इस पे टिक कर देते हैं। ठीक है, एक और नाम है यहाँ पे नीरज, तो यहाँ पे अनटिक रहने देते हैं। तो जिसको आप अनटिक करोगे ना वो काउंट नहीं होगा। ठीक है, और जो टिक करोगे वो काउंट होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक और नाम है युवराज। तो अब हमको यहाँ पर क्या करना है, अब ये तो हमारा हो गया, टेबल हमने बना दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम काउंट करना चाहते हो इसको, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ टोटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद क्या करना है, ये जो टोटल आएगा ना यहाँ पर आना है, ये यहाँ पे देखिए यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आकर के ये काउंट करना है। ये काउंट जो है ना, यहाँ पे काउंट आएगा, और देखिए ये काउंट करके बता रहा है कि ये केवल चार है। अगर मैं एक और टिक कर देता हूँ तो यहाँ ये पाँच हो जाएगा। देखिए अभी पाँच हुआ नहीं, कब पाँच होगा, जब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे एक बार। तो रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश ऑल, तो देखिए ये पाँच दिखाई पड़ने लगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसको भी टिक कर देते हैं तो ये छह बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये रिफ्रेश कर दिया हमने, तो छह हो गया। अब अनटिक करेंगे तो भी हमको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रिफ्रेश न करना पड़े इसके लिए एक विजुअल बेसिक की कोडिंग होती है। वो क्या होती है, मैंने कई वीडियोज में बताया है, अगर कभी मौका मिले तो फिर बाद में भी बताऊंगा। लेकिन ये आपको यस और नो डेटा टाइप का ये फायदा है, आप काउंटिंग बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी कि यस और नो डेटा टाइप का क्या यूज है। ओके,